अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम मैम। क्लास मुझे कुछ करनी थी तो अभी मिली है, तो फिर इस वजह से मैंने ईमेल किया। मेरा प्रोटेस्ट वो तो है। अब तो मेरा ख्याल है ऑन कैंपस सारा कुछ स्टार्ट करें, जब भी जो भी है नॉर्मलाइज करें हर चीज को। मैम लेकिन अभी 26 अभी सब बच्चे फर्स्ट डोज पर आ रहे हैं, 26 डेज के बाद सेकंड डोज, उसके भी 2-3 वीक्स के बाद डॉक्टर हाई स्कूल अकॉर्डिंग क्या आपको क्या पसंद है ये हमारा ऑनलाइन जाएंगे। यही बात मैंने अभी करनी थी क्योंकि मैंने तो सबको अलाउ कर दिया था कि जिनकी फर्स्ट डोज होगी वो तो आ जाए, और उसके बाद भी सर कह रहे हैं कि सेकंड डोज लगने के 2 वीक्स तक एटलीस्ट जो है ना किसी को ना बुलाएं। तो अब मैंने तो वही बात करनी थी आज भी कि अभी नेक्स्ट, अभी तो चलो जो आगे हैं ठीक है, नेक्स्ट अब सारा ऑनलाइन ही फिर दोबारा से करते हैं जब तक आप लोगों की डोज पूरी कम्प्लीट। आपके तो मेरे साथ दोनों डोज कम्प्लीट है, एक बस ठीक है। वो जो है जो फुल वैक्सीनेटेड है वो तो आ जाए, उनको तो कोई इशू नहीं है, ज्यादातर सर इसी का इशू कर रहे हैं। अभी भी कुछ है जिन्होंने एक डोज भी नहीं लगवाई, वैसे ही बैठे हैं, नहीं लगवानी वो ऐसी, वो लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने ऑनलाइन ही चलना है तो फिर इसीलिए भी नहीं लगवा रहे। यही ना, हम लोग खुद इतने परेशान हुए हुए हैं कि आप लोग ऑन कैंपस आए और जो चीजें हम लोग को डिलीवर करने में प्रॉब्लम हो रही है लेक्चर्स की, वो जो फेस टू फेस समझ आती है वो ऑनलाइन ही समझ आती है। आप क्या बता रहे हो, हवाई पढ़ाई हो रही है, कुछ चीजें आप एक्सप्लेन करते हो। सब सोए होते हैं, मुझे पता है कई दफा मैं बीच में आवाजें दे रही होती हूँ, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। काफी स्टूडेंट्स ऐसे ऑन करके और सब इधर उधर फिर रहे हैं, घर में बैठे हुए क्या आप क्या कंसंट्रेशन दे सकते हो, बीच में कोई आवाजें आ रही हैं, बाकी वो आप सिर्फ सुन रहे हो और सुनते हुए आपको बाहर की भी आवाजें हैं वो भी कर दो साथ के घर, वो फिर आप उस तरह कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ सकते हो। दूसरा फिर हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पता है ज्यादातर प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट हैं, वो आप इस तरह नहीं जब तक आप देखते नहीं है चीजों को। तो मैं तो कब से कह रही हूँ आप लोगों को प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल करना है। अच्छा ठीक है, उनको नहीं कराने हैं जिनको लॉलीपॉप में दे रही हूँ, तो वो जो है मैंने लास्ट टाइम स्टार्ट करवाया तब ये सब बंद हो गया। ठीक है, मेरा ये सब्जेक्ट ही क्योंकि मैंने इसकी असेसमेंट रखनी है, ठीक है, और असेसमेंट मैं पहले कह रही थी कि नहीं रखनी, लेकिन अब सब कुछ ऑन कैंपस हो रहा है तो मैंने इसके असेसमेंट के मार्क्स रखने हैं प्रैक्टिकल के, और मैं प्रैक्टिकल करवाती ही इसीलिए हूँ कि मैं इनसे पहले करवाऊँ और उसके बाद इनसे लूँ। जिन्होंने करना है कर लें, जिन्होंने नहीं करना वो लॉलीपॉप लेकर बैठ जाए आपसे, फिर मुझे वो असेसमेंट में ना पूछे, क्योंकि मैं ज्यादातर प्रैक्टिकल के ऊपर ही, मुझे मैंने आपको पहले बात की थी, मैं इन मार्क्स को तो कुछ समझती ही नहीं हूँ। ठीक है, सबके मार्क्स आ जाते हैं सबके इधर उधर जो है, जिस तरह भी मार्क्स आप लोग लेते हो ऑनलाइन उसको मैं समझती नहीं हूँ कि मेरे लिए कौन टॉपर है और कौन जो है वो दूसरा मेरे लिए जिसको काम आता है, जिसको प्रैक्टिकल आता है। जब तक आप इमेजिंग के इमेजेस ही नहीं देखोगे आपको समझ क्या आ रही है। आप लोगों ने जाके इमेजेस देखने हैं, आप लोगों ने हर मोडेलिटी के इमेजेस को एटलीस्ट एनाटॉमी तो रीड करनी आए आपको कि ये स्ट्रक्चर किस तरह का किस मोडेलिटी पे नजर आ रहा है। अल्ट्रासाउंड के ऊपर और एनाटॉमी नजर आ रही होती है, सीटी पे और तरह की चीजें नजर आ रही होती हैं, वो स्टैटिक इमेजिंग, वो एक्सियल स्लाइसिस में किसी तरह की है, एटलीस्ट पैथोलॉजी तो दूर की बात है, पैथोलॉजी पे जब जाओगे तो वो आप देखोगे, लेकिन एटलीस्ट एनाटॉमी नॉर्मल चीजें तो आपको देखनी आनी चाहिए ना उसके ऊपर।
तो वो सारी चीजें मेरा था कि आप लोगों को प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चलो एनाटॉमी भी थोड़ी दूर की बात है, आप नोबोलॉजी, आप उसके सिस्टम, आप उसकी नॉब्स, उसको क्या कहते हैं, प्रोब, हैंडलिंग, प्लेसमेंट, ये सारी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए ना, तो वो करवाते हैं अभी। मैं तो बल्कि मैंने तो ग्रुप में मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपको कोविड का है नहीं खुलती है यूनिवर्सिटी तब मैं आपको ग्रुप में ही बुलाऊंगी, 10-10 के ग्रुप में, या इस तरह हम लोग डेली का रखेंगे कि अगर 109 आपके स्टूडेंट्स 109 है तो 10 दिन में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि डेली 10 की स्ट्रेंथ या 15 की स्ट्रेंथ करके, और हम लोग इस तरह ऊपर लैब में भी देखती हूँ, मशीन भी आज मैंने देखनी क्योंकि मैंने नीचे रीजनल और उनको भी पढ़ा रही हूँ, उनको भी मैंने करवानी है, तो उनके लिए भी ये स्टार्ट करवाएं अपना, क्योंकि हमें सिर्फ मस्कुलर स्केलेटन नहीं, आपको मैंने पिछला भी बेसिक भी थोड़ा रिवाइज करवाना है इसमें, ठीक है। वही चीज है ना कि आप लोग सिर्फ मस्कुलर स्केलेटन का थोड़ी करवाओगे, आपको सिर्फ पहले मशीन का और उसके बाद प्रो, फिर किस तरह आप लोगों ने उसके प्लेन्स लेने हैं, एक्सियल प्लेन कैसे लेना है, कैसे मूवमेंट होती है, कैसे पता चलेगा आपने प्रोब ठीक भी पकड़ा है कि नहीं, कैसे उसको मूव करना है, ये बेसिक चीजें तो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसके अलावा मैंने क्या बात करनी थी आपसे, जेन से निकल के एक इम्पोर्टेंट बात है, चलो आती है जेन से में, तो फिर वो मैं आपको वो भी करते हैं। अच्छा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है? यस मैम, मैम इस तरह भी हमारे मेट्स जो हैं वो ऑनलाइन ही होंगे। नहीं कर रहा आवाज आ रही है, कोई मुझे बताएगा कि आप लोगों को आवाज आ रही है, कोई बोलेगा? यस मैम यस आ मैम, रही है। यस मैम आ रही है। की आवाज नहीं आ रही है, माइक तो ऑन हुए हैं सबके। मैम आवाज आ रही है। आ रही है आवाज मैम जी। अच्छा कोई हैंड रेस करके बताएगा कि मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, मतलब आप लोगों को आ रही है आवाज, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की मुझे आवाज नहीं आ रही है, क्या मसला हो सकता है, उनकी आवाज नहीं आ रही है। माइक्रोफोन, जूम मीटिंग इज यूजिंग योर माइक्रोफोन। मैम आपकी आवाज आ रही है। मैम इसमें देखिएगा मुझे बच्चों की आवाज नहीं आ रही है। आप कोई बोले जरा, आपकी आवाज आ रही है? यस मैम यस मैम आ रही है। ठीक है, अब आप लोगों की भी ठीक है।
मैम आप प्रैक्टिकल्स कब करवाएंगी? और उसमें मतलब प्रोब्स वगैरह सारी अटैच हैं? अच्छा मैंने इस वीक से ही प्रैक्टिकल स्टार्ट करवाने हैं अपने साथ में ना, तो यूपीएस यूपीएस यहीं पे है या यूपीएस लाना पड़ेगा? यूपीएस नीचे ऑफिस में पड़ा हो जाएगा। अच्छा अगर आज मैं करवाऊँ तो हो जाएगा? चलो ठीक है, बेसिक कुछ चीजें मैं आधा घंटा दबा रहा। अच्छा क्लास मैं एक्चुअली बात कर रही थी इनसे आप लोगों की, मुझे आवाज नहीं आ रही थी। पहले ये बताओ कि आप लोगों की डोजेस की वजह से आप लोग नहीं आ सके हो जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, या वैसे आप लोगों ने ऑनलाइन लेनी है क्लासेस? यस मैम, फर्स्ट डोज हुई हुई है, सेकंड डोज नहीं हुई हुई, इस वजह से नहीं आ रहे। यस मैम, आप अपनी डोज कंप्लीट करो, वैक्सीनेशन जैसे दोनों कंप्लीट होती हैं उसके बाद कंटिन्यू करो अपनी क्लासेस को, क्योंकि मैंने जो है प्रैक्टिकल करवाने हैं। ठीक है, जो आ रहे हैं उनको तो साथ साथ होते रहेंगे, क्योंकि पहले बहुत टाइम वेस्ट हो चुका हुआ है हमारा। और मैं कब से कह रही हूँ आप लोगों को करवाने हैं, तो जो जो आता जाएगा जिनकी डोज, ये मेरे पास जो आए हैं स्टूडेंट उनकी तो कम्प्लीट वैक्सीनेशन है। ठीक है, तो ये तो साथ साथ करते जाएंगे। आप लोग भी जितनी जल्दी हो सके अपनी कम्प्लीट करो, 26 डेज का टाइम होगा आप लोगों के पास वो करवा के तो वापस आओ यूनिवर्सिटी, ताकि हम लोग अपना ये तो प्रैक्टिकल तो करवाएं, क्योंकि कोई पता नहीं फिर फोर्थ वेव आ जाए और उसके बाद फिर से वही सारा कुछ ड्रामे शुरू हो जाते हैं और फिर सब कुछ ऑनलाइन चला जाता है। तो एटलीस्ट हम लोग अपना तो काम कंप्लीट करें। अच्छा पहले ही लेक्चर थोड़ा सा डिले हो गया, ये लेक्चर तो कम्प्लीट करते हैं और उसके बाद फिर कुछ बातें डिस्कस करते हैं। मैंने कुछ इससे प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी करनी है और आप लोगों की एक कॉन्फ्रेंस भी वन मंथ तक आ रही रखनी है मैंने, 3 डेज की वर्कशॉप है, उसमें भी मैंने कुछ मुझे एक्टिव पार्टिसिपेंट्स चाहिए। ठीक है, उसकी भी बात करती हूँ मैं जल्दी से, पहले लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर में कंप्लीट किया था अपना शोल्डर जॉइंट जो है वो स्टार्ट किया था, उसकी एनाटॉमी पढ़ी थी और हमने बोनी स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए थे, कौन से हमारी बोन से जो यूनाइट करके हमारे पास शोल्डर जॉइंट बना रही है। देन हमने कुछ लिगामेंट्स पढ़े थे, लिगामेंट्स उनको यूनाइट कर रहे थे, मसल्स थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके अंदर हमने रोटेटर कफ पढ़ा था। What is the role of rotator cuff? ठीक है, rotator cuff के muscles कौन से हैं और उनका क्या function है? Because shoulder joint की जितनी भी pathologies आती हैं वो rotator cuff के muscles की ही होती हैं। ठीक, patient complaint के साथ आते हैं, मैंने कहा था वो table जरूर आप देख लेना कि patient आ रहा है आपके पास जिसको abduction में problem है, adduction में problem है, उसको ये जो movement है ना इसमें problem है। If you know कि ये वाली movement specific ये वाला muscle करवा रहा है तो उसकी pathology को फौरन से diagnose कर सकते हो कि उसको एबडक्शन में प्रॉब्लम है, ये मसल जो एबडक्शन में उसका रोल था तो उसने मे बी उसमें कोई टियर आया हो या उसके टेंडन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ शोल्डर अल्ट्रासाउंड? शोल्डर अल्ट्रासाउंड के जो है ये तो एनाटॉमी थी। ठीक है, एक्सियल भी हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, दीज आर सम बोनी स्ट्रक्चर्स, हमारे पास स्कैपुला था, पोस्टीरियर साइड पे इंटीरियर हमारे पास क्लेविकल था और लेटरल साइड पे ह्यूमरस। ठीक, ये तीन बोन्स जो थी यूनाइट करके हमारे पास शोल्डर जॉइंट बनानी थी और हमारे पास जो शोल्डर गर्डल था उसके अंदर हमारे पास ह्यूमरस इन्वॉल्वमेंट था। वो एक सेमी सर्कल सा रिंग है जिसके जो इंटीरियरली जॉइंट है हमारे स्टर्नम मेनिन्ग्रम के साथ और पोस्टीरियरली वो ऊपर है। ठीक है, इनकम्प्लीट रिंग जो कि शोल्डर गर्डल बनाता है। ठीक है, तो यू शुड नो व्हाट इज शोल्डर गर्डल एंड किस तरह बनता है उसकी बोन्स बतानी है। शोल्डर जॉइंट बता दिया, ठीक है, उसके अंदर ह्यूमरस भी जो है इन्वॉल्व होता है और कौन से लिगामेंट जो है वो इनको यूनाइट करते हैं। दैट वाज द एनाटॉमी जो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की थी। नाउ व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द शोल्डर जॉइंट अल्ट्रासाउंड? शोल्डर जॉइंट की क्या इंडिकेशंस हैं कि हम सिर्फ अल्ट्रासाउंड ही करेंगे, व्हाई नॉट एमआरआई, व्हाई नॉट अदर मोडालिटी? हम उसको सबसे पहले तो आपको पता है कि फास्ट हो, ठीक है, आप बाकी आप पेशेंट आया आपके पास जो कुछ पैथोलॉजीज आप अल्ट्रासाउंड पर डिटेक्ट कर सकते हो तो हम सबसे पहले अल्ट्रासाउंड ही क्यों नहीं करते? ठीक है, सेफ है, उसमें आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मस्कुलर स्केलेटल अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन इज परफॉर्म
थर्ड ओनली टू द लो बैक पेन एंड द कार्पल टनल सिंड्रोम. कार्पल टनल मैंने अभी पढ़ाना भी है, लेकिन मैंने आपको रिस्ट जॉइंट में बताया था, इट्स अ कंप्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व जिसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम होता है. इसको हमने अलग एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मैंने अलग से किया हुआ है, बिकॉज इट्स अ कॉमन डिजीज. ये मस्कोस्केलेटल के अंदर जो है शोल्डर थर्ड पे आती है, सबसे पहले लो बैक. ठीक है, लो बैक पेन जो है उसके साथ पेशेंट बहुत ज्यादा आपके पास आएगा कि उसको लो बैक पेन है. देन उसके पास कार्पल टनल के जो पेशेंट है वो भी बहुत ज्यादा आते हैं. एंड थर्ड मोस्ट कॉमन शोल्डर. ये तीन जो है ना मोस्ट कॉमन है फॉर द इंडिकेशन ऑफ मस्कोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड. ठीक, शोल्डर पेन इज एक्सट्रीमली कॉमन इन द पेशेंट ओवर द एज ऑफ 40. इस एज में शोल्डर की जो प्रॉब्लम है ना बढ़ जाती है. The most common indication for high resolution ultrasound of the shoulder is to rule out a tear of the rotator cuff. जैसे मैंने अभी बताया कि shoulder joint के अंदर ज़्यादा pathology rotator cuff की ही होंगी, और rotator cuff में ज़्यादातर tears ही होते हैं. ठीक है, वो जो muscles involve हो रहे हैं rotator cuff के, उसके tendon के अंदर tear हो सकता है. अब वो tear किस type के होते हैं वो हम आगे अंदर हम इसको पढ़ेंगे. And the most common involved with the supraspinatus tendon, that is the muscle tendon involved in the rotator cuff. तो रोटेटर कफ में भी जो सबसे कॉमन इंजर्ड होता है ना वो सुप्रास्पाइनेटस. ठीक मैम, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है. आवाज स्लो आ रही है? नो मैम, ठीक आ रही है. ये बेटा आपके माइक ठीक है मैम, अपना जो है ना वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाओ. ठीक है, फिर आ गया पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द रोटेटर कफ डिजीज टिपिकली कंप्लेन्स ऑफ अ डल क्रॉनिक एक इन द शोल्डर. जो रोटेटर कफ के आते हैं ना प्रॉब्लम, एक तो वो पेन के साथ आए, तो पेन भी इस तरह होगी जैसे आपको हल्की हल्की सी जैसे ना हर वक्त पेन रहती है, डलनेस डल पेन जिसे कहते हैं. एक होती है ना शार्प पेन, इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता, और एक होती है रेडिएटिंग पेन. ये डिफरेंट टाइप की पेन होती है. रेडिएटिंग पेन होती है, हमेशा याद रखो पेन की टाइप में आप वो जो नर्व की वजह से होती है, ड्यू टू नर्व जो पेन आ रही है जो रेडिएट कर रही है, दैट इज ड्यू टू द नर्व. ठीक है, वो नर्व कंप्रेशन से हो सकती है. आप शियाटिका की पेन ज्यादातर जो है ना वो इसी वजह से आती है कि जो पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे बैक पे पेन होती है, बट जो है ना मेरी लेग में भी जा रही है पेन, रेडिएट कर रही है. दैट मीन्स उसकी जो लो बैक के जो नर्व है वो मे बी कंप्रेस हो रही हूँ ड्यू टू एनी रीजन. ठीक है, कोई एक्सटर्नल कंप्रेशन हो सकता है, कुछ भी कोई भी कंप्रेशन नर्व के ऊपर कैसे भी हो सकता है. ठीक है, अब जिस तरह कार्पल टनल सिंड्रोम है, दैट इज आल्सो अ कंप्रेशन ऑन द मीडियन नर्व. तो वो कंप्रेशन किसी भी वजह से हो सकता है, कोई ट्रॉमा है. ठीक है, जिसकी वजह से उसने नर्व कंप्रेस करती है. ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर चांसेस होते हैं कि आपके जो ज्वाइंट्स होते हैं उसके अंदर फ्यूजन बढ़ जाती है, और आप स्वेलिंग और ज्वाइंट्स स्वेलिंग ज्यादा हो जाती है, और उसमें उस वजह से प्रेगनेंसी की वजह से इट्स अनदर कॉज के वो कंप्रेशन कॉज कर सकती है, और उसकी वजह से आपको वो सिंड्रोम हो सकता है. ठीक हो गया, तो पेन हमारे पास जो शोल्डर की होगी वो शार्प नहीं होगी, वो रेडिएटिंग नहीं होगी, इट्स अ डल पेन. ठीक है, रोटेटर कफ टियर मोर कॉमन आफ्टर द एज ऑफ 70. अब आप वैसे ही एज 70 या 70 एज में तो वैसे ही इंसान के सारे गुस्से ही ढीले हो जाते हैं. ठीक है, तो उसके अंदर तो वैसे ही आपके जो है ना टियर होने के तो चांसेस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बढ़ जाते होते हैं, लेकिन 40 प्लस की एज के अंदर शोल्डर के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं. अच्छा, सिम्टम्स क्या है पेशेंट किन कंप्लेन के साथ आपको आएगा? प्रिवेंट फ्रॉम रेजिंग, उसको अपना आर्म रेज करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो कंप्लेन करेगा. वो जब भी फॉर्म कर रहा अपने हैं तो तब उसको उसका हाथ ही नहीं उठ रहा, उसका बाल्टी नहीं ऊपर जा रहा है, तो एक तो ये कंप्लेन होगी. दूसरी उसके पास क्या कंप्लेन है? इनएबिलिटी टू रेज आर्म अबव द शोल्डर. सेम वही कि आप ऊपर एक तो यहाँ तक तो बिल्कुल ऊपर भी नहीं ले सकता पेशेंट्स का हाथ, आप खुद भी ऊपर करो उसको पेन होगी जब आप उसका हाथ ऊपर की तरफ को अबव करवाओगे. अच्छा, एनी लिमिटेशन टू द रेंज ऑफ मूवमेंट एंड डिग्री दैट पेन ऑफ सिम्टम्स बिगेन. ठीक है, कोई भी मूवमेंट उसकी करवा के आप देख रहे हो उसका पेन हो रहा है, दैट मीन्स उसके रोटेटर कफ मसल्स इन्वॉल्व हैं. अब रोटेटर कफ है ही चार मसल, उन्होंने तो मूवमेंट करवानी है, सारी मूवमेंट वही करवा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है सुप्रास्पाइनेटस हो. ठीक है, और कोई और मसल भी इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन है वो रोटेटर कफ का ही. ठीक, व्हाट आर द लिमिटेशंस? हम पहले भी पढ़ चुके हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड. ठीक है, और एक तो लिमिटेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड एक मस्कोस्केलेटल है. अब शोल्डर की लिमिटेशन क्या है? हम शोल्डर जॉइंट में अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं कर सकते? क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी कि हम जो है ना अल्ट्रासाउंड इन के क्या ये लिमिटेशन है? हम इन में तो देख सकते हैं, लेकिन ये चीजें ये हम नहीं इसमें डिटेक्ट कर सकते. नंबर वन इज द ग्लेनोहुमेरल लिगामेंट दैट लाइज इंटीरियर, सॉरी बिल्कुल अंदर की तरफ को होता है. ठीक है, बिकॉज ग्लेनोहुमेरल लिगामेंट वो ग्लेनोइड कैविटी और ह्यूमरल जाके वहां पे अटैच होगा, तो उसके अराउंड जो लिगामेंट उसमें उसको फिक्स किया हुआ है
वो अंदर की साइड पे और बोन के पीछे है, ठीक है। जब हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो हमें कोई विंडो नहीं मिलेगी, प्रॉपर विंडो नहीं मिलेगी कि हम उस लिगामेंट को प्रॉपर विजुअलाइज कर सकते। तो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन कि हम इस लिगामेंट को ऑन अल्ट्रासाउंड नहीं देख सकते इफ इट्स इंजरी ऑफ दैट लिगामेंट, ठीक है। अल्ट्रासाउंड इज कॉम्प्लीमेंट्री विद अदर मोडालिटीज एंड वी नो के हम अल्ट्रासाउंड के अलावा क्या क्या यूज कर सकते हैं मोडालिटीज फॉर बोनी। ऑब्वियसली हम मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड भी नहीं करते फॉर बोनी इंजरीज, बोन्स के लिए सबसे पहले एक्सरे, एंड अगर हम लोग उसके अंदर आ गए हैं मसल टेंडन या कोई लिगामेंट की इंजरी तो हम लोग एम आर आई सी टी डिटेल्ड इमेजिंग के लिए चले जाते हैं। बोन्स अगर डिटेल देखनी है देन सी टी, एंड अगर हमें सॉफ्ट टिश्यूज देखना है, नर्व की इंजरीज देखनी है और जितनी डिटेल हम देख सकते हैं, ट्यूमर की इन्विजन्स देख सकते हैं अगर बोनी ट्यूमर्स है, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द एम आर आई इन्वेस्टिगेशन। अदर इन्वेस्टिगेशन में आर्थ्रोस्कोपी होती है, दिस इज लाइक एंडोस्कोपी, इसके अंदर कैमरा होता है, स्कोपी इज लाइक विजुअलाइज कर रहे हो विद अ कैमरा, ठीक है। एंड आर्थ्रो इज मतलब जॉइंट, जॉइंट के अंदर आप कैमरा इंसर्ट करते हुए आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो। दिस इज अनदर इन्वेस्टिगेशन, बट ये आपके इसमें नहीं आती डोमेन में, ठीक है। इमेजिंग ये जो है ना पता होनी चाहिए, बट ये एंडोस्कोपी जिस तरह होती है ये ऑर्थोपेडिक वाला होती है, नहीं है उसमें ये लोग करते हैं। बट इमेजिंग के अंदर एक्सरे सीटी एमआरआई एंड अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट वी ऑल नो कि हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी प्रोब यूज हो रही है विद द फ्रिक्वेंसी मोर देन 8, और जितनी अच्छी रेजोल्यूशन जितनी हाई फ्रिक्वेंसी उतनी अच्छी रेजोल्यूशन, तो वो डिपेंड करता है कि हम कितनी हाई लेकर जा सकते हैं अपनी रेजोल्यूशन को टू विजुअलाइज द सुपरफिशियल स्ट्रक्चर। एंड फॉर द स्कैनिंग पर्पस अल्ट्रासाउंड के मस्कुलोस्केलेटल के लिए केयरफुल स्कैनिंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज वी हैव टू अवॉइड एनिसोट्रोपी। What is anisotropy? We have to visualize different structures in the echogenicity here. But different होनी चाहिए because ultrasound musculoskeletal के अंदर तीन चार चीजें तो हमें देखनी होती हैं। If it looks like same, तो हम कैसे इनको differentiate करेंगे? एक तीन चीजें देखनी है, ligament देखना है, tendon देखना है, bones देखना है, muscles देखने हैं। ये bones तो आपको पता है कि बिल्कुल ही अलग से white हमें नजर आ रही होती हैं। बट जो हमारे लिगामेंट और टेंडन है थोड़ी सी भी उनकी एंगल आता है तो उसके अंदर जो है सेम उनके अंदर जो है हमारे पास विजुअलाइजेशन हो सकती है, उनके एपिजेनेसिटी सेम हो सकती है। फॉर दैट टू ओवरकम दिस हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बीम स्टेयरिंग या कंपाउंड इमेजिंग यूज करते हैं। कंपाउंड इमेजिंग एक सॉफ्टवेयर है, आप एक बटन यूज करते हो तो वो आपको कंपाउंड इमेजिंग। बट वॉट इज बीम स्टेयरिंग, आप एंगल देते हो विद अ प्रोब, आप बीम स्टेयर करते हो और जो बीम हमारी अल्ट्रासाउंड की है जो स्ट्रक्चर्स को देख रही है, ठीक है, उसके अंदर आप एंगल क्रिएट करते हो विद द मूवमेंट ऑफ द प्रोब, ठीक है। आप थोड़ा सा एंगल देते हो उनको तो आपको जो है वो स्टेयर कर देते हो, या आप हैंड से स्टेयर करते हो विद द प्रोब मूवमेंट, एंड अदर जो है ना वो हमारे प्रोब मशीन के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बीम स्टेयरिंग भी कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है, या तो आप हाथ से उसको एंगल दे दो, लेकिन हाथ से एंगल देने का एरर हो सकता है बिकॉज जब एंगल देते हो उसके अंदर गैप आ सकता है, स्किन और प्रोब के अंदर एयर गैप आ सकता है, तो एनिसोट्रोपी एक हो सकती है, ठीक है। 85 डिग्री की जो मैंने आपको बताया था, ठीक, वो जो हील इफेक्ट होता है, आप एंगल दे रहे हो उसकी वजह से उसके अंदर जो आर्टिफैक्ट आने के चांसेस होते हैं, ठीक। तो आप इसको अवॉइड करने के लिए हैं तो दोनों ही, लेकिन अगर आप बहुत अच्छी स्कैनिंग कर रहे हो और ये चीज अवॉइड कर सकते हो तो थोड़ा मुश्किल है, बहुत जिनकी ट्रेनिंग अच्छी होगी वो तो कर लें। लेकिन दूसरा क्या है, आपको पता तो होना चाहिए कि आप उस तरह भी कर सकते हो और इस तरह भी। दूसरा क्या है, बीम स्टेयरिंग, ये इजी है। आप सिर्फ अपनी जो प्रोब है उसको तो स्किन के साथ इंटैक्ट रखते हो, मूव नहीं करते हो, आप जो आपको मशीन के ऊपर आपको इस तरह करके पूरी बीम नजर आ रही है उसको आप स्टेयर कर दो, वो आप एक बटन को स्टेयर राइट और लेफ्ट स्टेयर कर सकते हो, तो आप उस बीम को स्टेयर कर दो, ठीक है। तो आप एंगल उस तरह भी दे सकते हो, ये हम लोग डॉपलर में भी करते होते हैं। समटाइम्स हमें एंगल चाहिए होता है, लेस देन 60 एंगल रिक्वायर्ड होता है, तो हमारी वेसल इस तरह पोजीशनड होती है कि हम उसको या तो प्रोब एंगल पे दे दें, प्रोब अगर एंगल नहीं है तो हमारे पास हमें लेस देन 60 कैसे दें, हम उसको स्टेयर कर लेते हैं अपने जो बीम को, बीम ही स्टेयर हो जाएगी, ठीक है। अब बीम स्टेयर होगी कैसे, एक कॉमन क्वेश्चन है कि उसका पीछे क्या फिजिक्स हो सकती है, ठीक है। अब क्या है, हमारे जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हैं दे आर अरेंज्ड लाइक दैट, ठीक है। रेक्टेंगुलर अगर है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट आपको एक बीम दे रही है, स्ट्रेट आएगी, ठीक। अगर जो कन्वेक्स होती है वो यूं करके आती है थोड़ी आपको क्या इसको कहते हैं स्ट्रेट जो भी है थोड़ी यूं करके आएगी, ठीक है। जो अगर लीनियर में यूज करें तो बिल्कुल रेक्टेंगुलर और स्ट्रेट आएगी।
क्या है जो बीम आ रही है ऊपर से, वो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स ने क्रिएट करना है, ठीक है, उसमें से बीम आ रही है। अब स्केल कर दो, अब यूं कर दो, अब क्या है हमने क्रिस्टल्स को उसकी जो पोजीशनिंग है उसको उसके अंदर जो उसके जो क्रिस्टल जिस तरह अरेंज है उनको थोड़ा सा हमने मूव कर दिया, इस तरफ को मूव हो गया तो वो बीम इस तरह निकलेगी, ठीक है, इस तरफ को मूव कर दो हम बीम ही इस तरह निकलेगी, ठीक है, प्रोब उसी तरह रहेगी लेकिन अंदर जो उसके क्रिस्टल्स लगे हैं दे विल मूव टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, हम उनको स्टेयर कर सकते हैं, उनकी बीम जो है उसको कहते हैं। और दूसरा कंपाउंड इमेजिंग इट्स अ सॉफ्टवेयर, तो वो हमारे जो है ना उसमें हेल्प आउट करता है। अच्छा, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द पैथोलॉजीज, वी नो के रोटेटर कफ पैथोलॉजीज आर मोस्ट कॉमन पैथोलॉजीज इन द शोल्डर जॉइंट, और ये पैथोलॉजीज कौन कौन सी हो सकती है, नंबर वन इज द टियर। अब वो टीयर या तो फुल हो सकता है या पार्शल हो सकता है। अब हमें पता है यार टीयर हो गए दो टाइप के होंगे ना, अगर सीवियरिटी है डिजीज की तो वो क्या होगा, फुल टीयर होगा, अगर उसके अंदर कोई पार्शल टीयर है दैट मीन्स कंप्लेंट उसी तरह ही आएंगे। नंबर टू क्या पैथोलॉजी, ये चार पैथोलॉजीज है जिनको अब हम वन बाय वन, यही पैथोलॉजीज आपकी शोल्डर की है, नंबर वन इज द टीयर, नंबर टू इज द बाइसेप टेंडन रप्चर जो या उसकी डिसलोकेशन, वी ऑल नो इन द एनाटॉमी के जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप था वो कहाँ पे अटैच हो रहा था, लॉन्ग हेड वो जो ग्रूव था हमारा ग्रेटर और लेसर ट्यूबरोसिटी का ह्यूमरस के अंदर, उसके अंदर जो ग्रूव बन रहा था उसके अंदर अटैच हो रहा था, और हमने बाइसिपिटल ग्रूव पे जी बेटा बाइसिपिटल ग्रूव पे हो रहा था इंसर्ट, बाइसिपिटल ग्रूव जो था जो लेसर और ग्रेटर ट्यूबरोसिटी के दरमियान था, और उसमें हमने पढ़ा था कि अगर जितनी ज्यादा उसकी डेप्थ होगी उतनी वो ज्यादा अच्छे से फिक्स हो सकेगा, जितनी कम हो जिस हमने 3 mm वो पढ़ा था ना उसमें याद होगा सबको कि मतलब जितनी उसकी डेप्थ कम होगी उसके डिसलोकेट होने के चांसेस ज्यादा है, ये चीज हमने एनाटॉमी में पढ़ी थी। तो इसकी शोल्डर के उसके अंदर डिजीज में अगर पढ़े तो नंबर टू पे यही आता है कि उसकी डिसलोकेशन या बाइसेप टेंडन्स का हमारा रप्चर होने के चांसेस ज्यादा। नंबर थ्री इज द कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस, इट्स एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन्स एंड ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ज्यादा इन्फ्लेमेशन होती है वहां पे हमें कैल्सिफिकेशन मिलता है, ठीक है, ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ टेंडन वी सी कैल्सिफिकेशन ऑन दैट स्पेसिफिक एरिया, तो दैट इज नोन एज कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस। यहाँ पे उस अगर कैल्सिफिकेशन नहीं है तो फिर हमने जिस तरह उसमें भी पढ़ा था ब्रिस्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियल शीट जो है हमारी टेंडन्स की, उनकी अगर इन्फ्लेमेशन होती है तो वो भी डिजीजेस मिलती जुलती है, सारों की डिजीजे मिलती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, टीयर हो सकता है, रप्चर हो गया, उसके बाद फ्रैक्चर हो गया, ये चार चीजें पढ़नी है, उनकी यही चीजें हो सकती है, फ्यूजन हो गया, ठीक है, फ्यूजन हमें पता है हमने जॉइंट्स पढ़ रहे हैं और ऑलरेडी यू नो कि उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है और उसका नॉर्मल फ्लूइड हर जगह पे हमें हर जगह का वैल्यूज है कि इसके अंदर कितना नॉर्मल फ्लूइड होता है, इफ इट एक्सीड्स या उसके अंदर से जो है ना फ्लूइड कम हो जाता है वो पैथोलॉजी की तरफ ऑब्वियसली लेकर जाएगा। फोर्थ वन इज द जॉइंट फ्यूजन, तो दीज फोर पैथोलॉजीज आर कॉमन दैट विल बी रूल्ड आउट इन अल्ट्रासाउंड, ठीक है, तो ये हमारी चार पैथोलॉजीज है, इन्हीं को हमने शोल्डर जो है वन बाय वन देखा। अच्छा, ये जो है ना दीज वर द कॉमन, दीज आर लेस कॉमन, ठीक है, शोल्डर के जॉइंट है। अब आर्थराइटिस आप हो गया, आर्थराइटिस इज वेरी कॉमन, बट इन शोल्डर जो आर्थराइटिस इज कॉमन इन नी, क्या जब स्कैन करते हैं ना तो उधर हम लोगों को इसको डायग्नोज करना इजी है हमारे, बट शोल्डर में ड्यू टू मसल्स और इतना ज्यादा मसल्स होते हैं हम बोन को इतना अच्छे से विजुलाइज और आर्थराइटिस को इन्फ्लेमेशन जो भी है जॉइंट की उसको इतने अच्छे से हम, बट दिस इज कॉमन, दिस इज प्रेजेंट बट लेस कॉमन, ठीक है, तो जो कॉमन है वो चार वो है जो कि हम शोल्डर जॉइंट को कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास बर्साइटिस है, एनाटॉमी में पढ़ा था बर्साज है हमारे पास एंड सबके नेम अकॉर्डिंगली जहाँ जहाँ प्लेस थे उनके वो बरसात थे एंड ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ दीज बरसात वी सेड के उनका बर्साइटिस हो सकता है। सब डेल्टॉइड और सब एक्रोनियम बर्साइटिस आर्थराइटिस देन फ्रैक्चर्स, ठीक है, इम्पिगमेंट ऑफ द रोटेटर का, व्हाट इज इम्पिगमेंट, इम्पिगमेंट क्या होता है, एक देखो एक आपके पास टनल है, एक स्पेस है जिसके अंदर से टेंडन फॉर एग्जाम्पल मूव कर रहे हैं, ठीक है, जब वो मूवमेंट होती है वो जो ये मूवमेंट होती है क्या मूवमेंट को कहते हैं, आगे पीछे की तरफ जो मूवमेंट होती है, ठीक है, बैक एंड फोर्थ, ठीक है, उसकी मूवमेंट की वजह से उसके अंदर क्या हो सकती है, फ्रिक्शन की वजह से वो टियर हो सकता है, ठीक है, वो ड्यू टू द नैरो स्पेस उसके अंदर से टेंडन गुजर रहे हैं, ठीक है, जो स्पेस है ना और उसकी वजह से मूवमेंट की वजह से जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रही है आप टेंडन को फ्लेक्शन हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है, टेंडन मूव कर रहा है वो बोन के साथ
समझ लो कि रगड़ाई हो रही है उसकी, ठीक है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से उसमें टियर हो सकता है. दिस इज द इंपिगमेंट, ठीक है, नॉट नैरो स्पेस. अच्छा, रोटेटर कफ. अब वन बाय वन इन पैथोलॉजीज को हम सिर्फ रीड आउट करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा व्हाट आर दीज. रोटेटर कफ टियर हैव वाइड रेंज ऑफ अपीयरेंस एंड प्रेजेंटेशन. Ultrasound is quite accurate in making the diagnosis of the rotator cuff tear with an overall accuracy of 96%. ठीक है, अल्ट्रासाउंड के ऊपर रोटेटर कफ इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इसकी एक्यूरेसी रेट 96% है. वी कैन डायग्नोज रोटेटर कफ टियर वेरी इजीली, एक्यूरेट. ठीक है, अच्छा, फोर मेजर क्राइटेरियाज है और फोर माइनर क्राइटेरिया. तो मेजर क्राइटेरियाज टियर के कौन कौन से है? कंप्लीट नॉन विजुअलाइजेशन ऑफ द कफ. Complete non-visualization of the cuff. क्या समझ आती है? Completely नजर नहीं आ रहा, ठीक है. Number two, localized या focal zone visualization. कोई specific zone नजर आ रहा है? Complete, पहले तो हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, ठीक है. That means वो partial हो सकता है. अब आगे हम clear examples पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें समझ आ रही है ना कि ये जो है major criteria. Number one is the complete non-visualization. Number two is the local or focal zone visualization. Number three is the discontinuity of the. अभी पीछे पढ़ लिया है ना, discontinuity होगी तो dislocation की तरफ वो लेकर जा रहा है. Dislocation ज़्यादातर long head of bicep की ही होगी. And fourth one is the abnormal cuff epigenesis and that is due to inflammation. ये हमने चार पीछे पढ़ लिए हैं. अब वो उनका criteria यही है कि हमें अल्ट्रासाउंड पे अगर ये चीज इस तरह की दिख रही है, that means ये pathology हो सकती है. Abnormal echogenicity हो गई है, that means it is leading towards the inflammation. ठीक, अगर हमें discontinuity मिलती है, that means dislocation है. ठीक है, अगर हमें complete non-visualization मिल रही है, that means complete partial, complete tear. If focus on और हमें specific zone नजर आ रहा, that means partial tear. समझ आ गई? ये जो criteria, ये याद करने आपको करने, ये जो criteria है ये ultrasound के. If you see this on ultrasound, तो ये problem हो सकती है. Clear हो गया? अब वही चीज है कि अब हम इनको देख लें. Complete non-visualization को देखो तो कहते हैं bare shoulder, because हम देख ही नहीं सकते हैं. Bare क्या होता है? खाली, ठीक है, bare shoulder है और massive वहां पे tear हो सकता है. ठीक है, तो also known as bare shoulder and massive full thickness tear with complete absence of the rotator cuff. Clear हो गया? अब वो tear more than 3 cm है तो massive tear. Massive tear leading towards complete tear, not partial. Small full thickness tear is less than 1 cm and large full thickness is 1 to 3 cm. Massive more than 3, large full thickness 1 to 3 or small less than 3. These are the tear ki jo wo hai. Mm. Record. See. Huh? Deltoid and subdeltoid bursa sit alone on the top of the proximal humerus. These are ये जो हमने अभी bursa से पढ़े, bursitis किसमें common होता है? Subdeltoid और subacromium bursa का ही ज्यादातर bursitis होता है. Inflammation होती है. Full thickness tear allows communication of the glenohumeral joint and SA subacromium and subdeltoid SD. Bursa while partial thickness tear do not. ठीक, अब आज एसोसिएटेड विद बोनी इरेगुलरिटीज अगर आ रही है तो बोनी इरेगुलरिटीज क्या डिजीज हो सकती है, किस तरह लेके जा रहा है हमें? डीजनरेटिव चेंजेस, ठीक है, और वो हमें आर्थराइटिस की तरफ भी लेकर जा सकता है. अगर बोन्स के अंदर इरेगुलरिटी है, उसके अंदर स्पाइक्स बन रहे हैं, उसके अंदर ऑस्टियोपाइट्स बन रहे हैं, तो दिस इज द इरेगुलरिटी ऑफ द बोन एंड दैट इज एसोसिएटेड विद द प्रॉक्सिमल ह्यूमरस. हमें जो ह्यूमरस आपको नजर आ रहा है फुल थिकनेस टियर है सुप्रास्पाइनलिस. अब टियर होता है तो कुछ चीज फट जाती है ना. आप देखो उसके अंदर स्वाफ हुआ हुआ इतना बड़ा, अब ये ब्लैक कलर का इट्स अ टियर, इट्स अ कंप्लीट टियर. ठीक, अगर मैं पार्शियल दिखाऊंगी तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकोगे. अच्छा, full thickness tear of the supraspinatus tendon with the effusion of subacromial bursa. ठीक है, अगर आप ये देखो तो this is ये, इसको अगर देखो difference है ना, this is black and this is normal.
ठीक है, दिस इज अ कंप्लीट टीयर, आप यूं समझ लो कि ये कपड़ा था जिसके अंदर सुराख हो गया, वो फट गया है, तो वो टीयर है, बहुत कंप्लीट मैसिव टीयर है, उसको आप मेजर करो तो आप उसको, ठीक है। उसके साथ हमें यहाँ पे एक बरसा नजर आता था जो कि कुछ एक कुशन, मतलब एक समझ लो पैन, एक बरसा पड़ा हुआ था, तो उसके अंदर आप देख रहे हो उसके अंदर एक इंफ्लेमेशन सी होना स्टार्ट होगी, डॉक्टर डालोगे तो हाइपरवैस्कुलराइज भी होगा ये बरसा, तो दिस इज बर्साइटिस, सब एक होमियन बर्साइटिस, और अलॉन्ग विद दिस हमें ये इसके अंदर जो टीयर इतना मैसिव सा नजर आ रहा है, दिस इज द कम्प्लीट टीयर, ये पूरा आगे ठीक होगी हम, ठीक है। सुप्रास्पाइनल ये यहाँ पे जाके बारीक होगी, जिस तरह अटैचमेंट होती है उसकी टेंडन की, एंड अगर इस तरह देखो ये अब यहाँ से नजर नहीं आ रहा ना, तो ये वाला एरिया ये वाला आगे इस तरीके, ठीक है, यहाँ से आगे जो है ना ये बिल्कुल यहाँ देख लो इसकी होमोजीनियस स्ट्रक्चर, और ग्रे सा हमें ये आ गया फिर इस तरह करके अटैच होगा, ठीक, और इधर देखो तो ये इसके अंदर इतना बड़ा जो है क्लियर है, क्लियर हुई है इमेज, ये वाला ये वाला, ये आगे से देख लो ना, यहाँ से देखो तो पीछे ये देखो, यहाँ पे भी अभी आपको नजर आ रहा है ब्लैक ब्लैक सा, यहाँ पे भी टीयर है, लेकिन आगे जो है इसके अंदर अटैचमेंट है, ठीक है, टेंडन है ना, टेंडन तो अटैच होगा अपने उसके साथ, ये कि डिसलोकेट हो गया, टेंडन की अटैचमेंट तो है डिस्टल, ठीक है, लेकिन उसने सेंटर के अंदर अपना पूरा कंप्लीट टीयर उसने कर दिया, हट गया है वो बिल्कुल, ठीक है, लेकिन आगे टेंडन अटैच तो है अपने जहाँ पे उसने अटैच होना है, तो ये बारीक सा जो पार्ट है दिस इज द अटैचमेंट ऑफ द टेंडन सुप्रास्पाइनेटिस। अच्छा, रोटेटर कफ टीयर विद द बर्सा इफ्यूजन, ये बर्सा इसके अंदर फ्लूइड भी है, इसको आप छोड़ दो, इसको क्लियर इमेज नहीं है, प्लस डीजर साइन, अब देखो आपने वो देखा होगा कि समंदर के अंदर जो एक वो क्या कहते होते हैं जो गैसेस, उसको शायद सुना भी हो, वो ना क्या कहते हैं, पानी ऊपर की तरफ ऐसे जाता है, क्योंकि गैस को डीजर साइन कहते हैं, ठीक है, वो क्या होता है आप समझ लो, मुझे तो उसका आइडिया नहीं है क्या चीज होती है, बट हाँ वही चीज जो है ना गैसेस की वजह से समंदर के अंदर, किसी को अगर ऑनलाइन भी याद हो तो बताना, वाटर बहुत ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, प्रेशर से ऊपर की तरफ जाता है ड्यू टू गैस, ठीक, तो इसके उसको कहते हैं गीजर साइन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर शोल्डर के अंदर आपको मिल रहा है गीजर साइन, तो वो उसी से एसोसिएटेड है कि दैट मींस इसके अंदर से फ्लूइड ऊपर की तरफ जाता है, ठीक, और वो क्यों कैसे फ्लूइड ऊपर की तरफ जाता है, सिचुएशन इन विच अ कॉन्ट्रास्ट मीडिया, इफ वी इंजेक्ट अ कॉन्ट्रास्ट मीडिया इन द शोल्डर जॉइंट, ठीक है, हम लोग कॉन्ट्रास्टेड भी कुछ करते होते हैं शोल्डर के अंदर, तो इफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया लीक्स फ्रॉम द शोल्डर जॉइंट थ्रू द रोटेटर कफ इनटू द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट ड्यूरिंग अ कॉन्ट्रास्ट आर्थ्रोग्राम ऑफ द शोल्डर, दिस इज नोन एज गीजर साइन, ठीक। जब हम लोग आर्थ्रोग्राम के अंदर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं शोल्डर स्टडी के लिए, जब हमने कॉन्ट्रास्ट दिया नॉर्मल तो हमें कॉन्ट्रास्ट उसको नजर आना चाहिए, उस स्ट्रक्चर को हाईलाइट कर देगा और ऐसे, लेकिन नहीं, कॉन्ट्रास्ट दिया साथ ही ऐसे ऊपर की तरफ को कॉन्ट्रास्ट दिया, व्हाइट कलर का नजर आ रहा है ऊपर की तरफ को जाता है, दैट मींस वो एक गीजर साइन है, दैट मींस वहां पे कोई टीयर है, कंप्लीट हो सकता है जितना मैसिव है जिसकी वजह से ऊपर की तरफ को गया है ना वो टीयर में से, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ दिस साइन सजेस्ट अ लार्ज रोटेटर कफ टीयर, ठीक है, ये बात अब मैंने बता दी, विद इरोजन ऑफ द अंडर सर्फिस ऑफ द एसी जॉइंट। अच्छा, सेकेंड था लोकलाइज होने में चला गया, लोकलाइज्ड या फोकल नॉन विजुअलाइजेशन, अब ये किस तरफ लेकर जा रहा है, हमें पार्शियल टीयर में जाएगा, ठीक है, बिकॉज फोकल जोन का टीयर इंडिकेट्स लेस वेयर पार्शियल थिकनेस रोटेटर का मोस्ट ऑफन अकर इन द एंट्रोनेट्रल या क्रिटिकल जोन ऑफ द सुप्रास्पाइनेटस, एंड देन हमने जब क्रिटिकल जोन पढ़ा था, हमने उसके अंदर पढ़ा था ना कि सुप्रास्पाइनेटस के अंदर भी जो है बड़ा इसका वो है शोल्डर में, ठीक है, व्हाट इज क्रिटिकल जोन, अब लेस वैस्कुलराइज्ड एरिया, मिनिमल वैस्कुलराइजेशन जहाँ होती है उसे कहते हैं क्रिटिकल जोन, ठीक है। तो वैसे मैं पूछ, ये बिस्मा है ना, यस मैम, मैं वैसे बच्चे मैं क्लास में किसी से पूछ रही थी, आपने जवाब दे दिया, चलो लेस वैस्कुलराइज्ड एरिया है वहाँ पे, उसको हम क्रिटिकल जोन कहते हैं, और डिफरेंट एरियाज हमने इसके अलावा, अच्छा बताओ बिस्मा और कौन कौन से एरियाज क्रिटिकल जोन में आते हैं, सुप्रास्पाइनेटस है,
मैम सुप्रा स्पाइनेटिस टेंडन है और मिडिल एरिया ऑफ एचिलिस टेंडन होते हैं। तो हमारे पास एचिलिस टेंडन भी जो है वो भी उसमें आता है क्रिटिकल जोन में। फिर हमारे पास अच्छा अभी हम क्या पढ़ रहे थे पार्शियल टियर। तो पार्शियल टियर में हमारे पास सुप्रा स्पाइनेटिस टेंडन का जो क्रिटिकल जोन है मोस्ट ऑफन अकर इन द एंट्रोलेटर या क्रिटिकल जोन ऑफ द सुप्रा स्पाइनेटिस। इस क्रिटिकल जोन के अंदर पहले वो है लेस वैस्कुलराइज्ड एरिया सुप्रा स्पाइनेटिस, ठीक है। उसके अंदर अगर टियर होता है तो दैट इज द पार्शियल टियर, ठीक। अच्छा फिर उसके बाद हो गया डेल्टॉइड हर्निएशन साइन। अब हर्निएशन क्या होता है कि वो जो डेल्टॉइड है वो अपनी जगह से दूसरी तरफ हर्निएट करता है। पार्शियल थिकनेस के अंदर जो है मोस्ट कॉमन टाइप इंट्रा सब्सटेंस आर्टिकुलर सर्फेस सेकेंड मोस्ट कॉमन एंड बर्सल सर्फेस लीस्ट कॉमन, दीज आर द साइट्स ऑफ द पार्शियल टियर। इस डायग्राम में देखो तो ये देखो ये सुप्रा स्पाइनेटस है, ये थोड़ा सा यहाँ पे टियर पार्शियल है, ये पूरा ठीक आ रहा है, इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा टियर है। फोकल जोन मतलब एक स्पेसिफिक जोन एक स्पेसिफिक एरिया का टियर, ठीक है। ये वाइट पूरा आ रहा है, ये यहाँ पे टियर हुआ है, दीज आर द पार्शियल जो है ना टियर। देख रहे ब्लैक ब्लैक एरिया कंप्लीट नहीं है इसके अंदर हमें नजर आ रहा है। अगर हम अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं तो ये देखो ये पूरा सही से नजर आ रहा है वाइट, और इसके अंदर ये ब्लैक कलर का छोटा सा यहाँ से समझ लो कि फटा हुआ टियर है, ठीक। अब ये देख रहे हो ये देख रहे हो इसके अंदर दीज आर पार्शियल टियर। अब आज जो थर्ड वन और आखिरी रह जाएगी फिर हमारे पास कौन से इंफ्लेमेशन या इफ्यूजन, ठीक है, वो हम लास्ट पढ़ेंगे। एंड दिस इज द डिसकंटिन्यूटी। अब डिसकंटिन्यूटी क्या है, डिसलोकेशन है, किसकी हो सकती है। एन अपीयरेंस ऑफन सीन विद अ स्मॉलर रोटेटर कफ हियर यूजुअली एसोसिएटेड विद द फ्लूइड कलेक्शन विद इन द ग्लेनोहुमेरल एरिया और एसए एसडी बर्सा फिलिंग द स्पेस विद इन द टॉर्न कफ। अब डिसकंटिन्यूटी है एक जगह से डिस्प्लेस हो गया एक जगह, ठीक है, तो उसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो हमें ज्यादा नजर आएगा, वहां पर टियर होगा वो ज्यादा हो सकता है ड्यू टू डिसकंटिन्यूटी। और उसके अंदर डबल कॉर्टेक्स साइन बनता है, व्हाट इज डबल कॉर्टेक्स साइन, उसके अंदर ड्यू टू डिसकंटिन्यूटी। अब जो है हमारा जो कॉर्टिकल एरिया जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसके अंदर हमें डबल लेयर्स नजर आएंगे, डबल साइन नजर आएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि एक जगह अब आप देखो अब ये ड्यू टू शेडो होता है, अब डिसकंटिन्यू हो गया या डिसलोकेट हो गया अपनी जगह से तो वो हमें इस तरह नजर आता है कि दो लेयर्स नजर आ रही है। अगर दो लेयर्स कॉर्टेक्स की नजर आ रही है अल्ट्रासाउंड पे, ठीक है, ये कुछ हमने समझ लो कि अल्ट्रासाउंड की निशानियां रखी हुई है कि इस तरह अगर नजर आ रहा है तो ये चीज नजर आ रही है, डबल कॉर्टेक्स साइन नजर आ रहा है तो डेट इंडिकेट डिसकंटिन्यूटी होता है। अच्छा लास्ट वन द एबनॉर्मल कफ एक्जेनिसिटी। इट इज लीस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द रोटेटर कफ बिकॉज हमें पता है एन आइसोट्रोपी इज द कॉमन आर्टिफैक्ट इन मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड, ठीक है, ये हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। अब बात की समझ आई कि हमने ये क्यों बात की थी, बिकॉज जो है अब देखो एबनॉर्मल एक्जेनिसिटी हमें पैथोलॉजी की तरफ लेकर जा रही है, थोड़ी सी प्रोब मूवमेंट हमें जो है ना पैथोलॉजी रूल आउट कर सकती है। अगर वो नॉर्मल भी है तो हम उसकी एक्जेनिसिटी डिफरेंट नजर आ रही है, डेट विल इंडिकेट अ पैथोलॉजी। तो ये बड़ा कॉमन एनिसोट्रोपी है तो ये बड़ा ध्यान से मस्कुलोस्केलेटल करते हैं, थोड़ी सी एक्जेनिसिटी डिफरेंट हम कुछ भी उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज लीस्ट रिलायबल, अगर हमें एक्जेनिसिटी डिफरेंट है हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, कंफर्म पैथोलॉजी भी होगी हम छोड़ देंगे, ये पता चले हमारे कोई आर्टिफैक्ट की वजह से ही आई हो, ठीक है, हमारी अपनी ही उसकी प्रॉब्लम की वजह से प्रोब की वजह से आई हो, तो दिस इज लीस्ट रिलायबल, हम इसको प्रॉपर कन्फर्म नहीं कर सकते। However, focal area of the increase or the decrease echogenicity may represent a small rotator cuff tear. Most tears of the supraspinatus tendon occurs in the it's an MCQ. ठीक हो गया, चल चारों हो गए, अब आगे चलते हैं और क्या हो सकता है। Always measure the rotator cuff tear in two orthogonal planes. हम जब भी अल्ट्रासाउंड करते हैं obviously जब भी measurements लेते हैं तो दो planes में तो लेते ही हैं transverse और obviously, ठीक है। Always determine the distance of the tear from the long head of the visceral tendon. जहाँ पे हमें full thickness, full tear मिल रहा होता है, जो ज़्यादा वाला area होता है, हम measure हमेशा उसी को करते हैं. The largest tear area जो होता है, ठीक है, smallest. Always compare both shoulders. जब भी आप musculoskeletal ultrasound करते हो, even कि आप X-ray भी करते हो, तो आप दोनों को compare करते हो. आपकी knee में एक knee में problem है, तो आप दोनों knee का ultrasound करवाते हो. ठीक है, अगर किसी को कंप्लेन है तो देखा होगा आपने अपने रिलेटिव में
मदर को फादर को ना करे किसी को, लेकिन एज में हो जाता है कि आपको नीड है, उनको कंप्लेन एक नी की होगी, अल्ट्रासाउंड एक्सरे करवाएंगे तो वो दोनों नी के करेंगे। इसी तरह हम शोल्डर का करते हैं तो ऑलवेज कंपेयर वन साइड विद द अदर साइड, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि नॉर्मल है। दैट वाज द मेजर क्राइटेरिया। अब आज माइनर, माइनर क्या हो सकते हैं, इंट्रा और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्लूइड, ये माइनर माइनर से हैं, दैट इज नॉट कॉमन बट दे आर प्रेजेंट, इंट्रा और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्लूइड। सेकेंड इज द एबनॉर्मल कॉन्टूअर ऑफ द सेब्डेल्टॉइड वर्सा, थोड़ा सा कॉन्टूअर चेंज हुआ है, अब हम उसको फाइनल डायग्नोज नहीं कर सकते, ठीक है, फ्लूइड है, हम इसको प्रॉब्लम, बट दे आर प्रेजेंट, ठीक है, माइनर क्राइटेरिया है टीयर्स। अच्छा, नॉर्मल ऐसे एसडी वर्सा मिलियर 2 mm और लेस एलिवेशन ऑफ द ह्यूमरस हेड, अब एलिवेट हुआ हुआ, अब वी कैन नॉट से कि दिस इज डिसलोकेशन और डिसकंटिन्यूटी, ठीक, अब मे बी वो किसी भी पेशेंट पोजीशनिंग की वजह से भी हो सकता है, उसको हम कहेंगे भी इस तरह उन्होंने यूं करके रखा हुआ है, उसको फिर क्या नीचे वो करता है, वो फिर ऊपर चले जाता है, ठीक है, डिपेंड्स के पेशेंट की एलिवेशन, वो भी एक माइनर क्राइटेरिया। And the last one was the calcific tendinitis. That was the inflammation, and due to inflammation of tendon, we see calcification white structures in the joint. And वो किसके deposits हो सकते हैं? That is of the calcium crystals या milk of calcium. आपको पता है ये calcification जब भी होगी, that is due to the calcium deposits in the supraspinatus. That is the critical zone. Critical zone के अंदर ही protector का supraspinatus में ही ज़्यादातर इसकी problems आती हैं. ठीक है? Painful condition है. Calcific tendinitis, very painful condition. ये आपको white clear नहीं है, लेकिन इससे bright white नजर आते हैं supraspinatus के अंदर, ठीक है? ये हमें इसका ये एक्सप्रेस है, तो उसके अंदर देख रहे हो, उसके अंदर जो है white structure नजर आ रहा है, ठीक है? And bicep tendinitis, जो long head of bicep जो था tendon, उसका inflammation या उसकी synovial sheath की inflammation is also very common inflammation, to inflammation of the okay, pain over the anterolateral shoulder that radiates down the arm, especially with the movement. That is radiating pain that will involve the nerve as well. जहाँ पे radiating pain होगी वो nerve involved. ये हम positioning जो है इसका जो third lecture होगा उसमें पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ दिखाने के लिए कि हम patient की different positioning करते हुए shoulder का ultrasound करेंगे. अच्छा, for the dislocation या subluxation of the bicep tendon, long head of bicep tendon always occur over the medial wall of the bicipital group. You all know that bicipital group के अंदर जो है उसकी insertion है, ठीक है? And bicep tendon tears may be due to the intra substance, वो हो सकते हैं partial thickness, full thickness, complete rupture. ये चीजें बार बार repeat होंगी, जो पढ़ने वाले की minor और major criteria वो किस तरह नजर आते हैं वो पढ़िए। फिर आ गया बर्सास के इन्फ्लेमेशन, एंड एसएएसडी बर्सा इज द सेकंड लार्जेस्ट बर्सा इन द ह्यूमन बॉडी, दिस इज आल्सो एमसीक्यू, एंड आफ्टर इलियोपेक्टिनियल बर्सा, तो एक इलियोपेक्टिनियल बर्सा सबसे बड़ा बर्सा है हमारी बॉडी में, ठीक है, एंड सेकंड लार्जेस्ट इज द एसएएसडी, याद रहेगा इलियोपेक्टिनियल कहाँ हो सकता है, नेम बता रहे मैम, इलियम और प्यूबिस में, उसी एरिया में जहाँ पे आइलेक हमारे पास क्रस्ट बनता है, आइलेक बोन है, ठीक है, पेक्टिनियल बर्सा वहां पे प्रेजेंट है, और दैट इज द लार्जेस्ट बर्सा, हमारे पास कितना बड़ा बर्सा नजर आएगा वहां पे, तो बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट बर्सा इज द इलियोपेक्टिनियल, सेकेंड लार्जेस्ट इज द एसएएसडी, ठीक है, ऐसे ऐसे बरसा एक ऐसा बफर बिटवीन, ये अब उसका फंक्शन है, ओवरलाइन एक्रोमियम प्रोसेस, डेल्टॉइड मसल, रोटेटर का वी नो के बरसा से वही फंक्शन क्या है, कुशनिंग इफेक्ट है, कुशन की तरह होते हैं। नॉर्मल बरसा कैन बी सीन एज एन एक्रोजेनिक इंटरफेस बिटवीन द डेल्टॉइड मसल एंड द रोटेटर का, ठीक, इंटरफेस है, डोंट कंपेयर के वो पूरा एनेक मेकअप हो गया, तो वो तो एनेक वेक होता है, इट्स एन इंटरफेस, एक्रोजेनिक इज एन इंटरफेस, एक्रोजेनिक इंटरफेस व्हाइट कलर का इंटरफेस है बिटवीन the deltoid muscle and the rotator. अच्छा, in case of effusion, first location to be filled is the tear drop shaped thickening of the bursa distal to the lesser edge of the greater tuberosity near the insertion of the, ठीक है, अब tear drop क्या होगा, आंसू झील तो देखी है ना सबने, ठीक है, उसकी भी shape किस तरह की है, tear की जैसे, same like that, इसके अंदर भी जो है जो effusion अगर bursa में हुई है तो effusion वैसे तो round oval सा होता है, तो सबसे पहले अपनी शेप बनाएगा टियर ड्रॉप का, ठीक है, इवन व्हेन फ्लूइड फिल्ड इट इज नोन एज टियर ड्रॉप साइन,
Another question. SA, SD, Bursa, Fusion. किस तरह का हमें नजर आ सकता है? Different इसको तो मैं किसी भी तरह change करके question में ना सकती हूँ, but you should know कि if there is a fusion in SA, SD, Bursa, तो हमारे पास सबसे पहला sign is the year close. अच्छा, this effusion may be due to the trauma, arthritis, gout में sign होती है. Bursitis, you know, inflammation, hypervascularity. And chronic inflammation is the irregular bursal thickening. हम वैसे कहते होते हैं कि तीन हम बार बार बात करते हैं कि जो हमारे पास sign है of inflammation is thickening of that specific area. जिसकी भी inflammation हुई है उसकी wall thickened हो जाएगी. ठीक? Hypervascularity. बार बार वो चीजें repeat होती हैं आपका sample. ठीक? And third is the जो उसके अंदर fluid है mostly जो है ना उसके around fluid complete हो जाता है उसके sample pancreatitis है pancreas के around fluid आ जाएगा. तो ज्यादा अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है तो डेट लीडिंग टू वर्ड्स द अच्छा बहुत इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो गई है एंड वो पस की तरफ जा रही है तो वो हमें इंडिकेट ये तो आयन इफेक्ट होगा इसमें वो हमें फिर इसके अंदर डेब्रिस नजर आना शुरू हो जाएगी उसकी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन इररेगुलर हो जाएगी और उसके अंदर वो क्रॉनिक की तरफ फिर आस्ता आस्ता जाना शुरू हो जाएगा. ठीक है, छोड़ दो कुछ इमेजेस नहीं समझ आते वो हमें डॉक्टर फ्रैक्चर्स वी ऑल नो फ्रैक्चर्स क्या है एंड शोल्डर ज्वाइंट के अंदर फ्रैक्चर जो है ना शोल्डर गर्डर का जो है यूजुअली ऑफ द ए वर्जन टाइप उसमें क्या होता है ए वर्जन का क्या मतलब होता है मतलब जिस लुक बाहर की तरफ को निकल जाना या फ्रैक्चर इस तरह के जो होते हैं जो बाहर की तरफ ए वर्जन ऑल्दो डिप्रेस फ्रैक्चर कैन ऑल्सो बी फॉर्म एंड डिप्रेस फ्रैक्चर क्या होते हैं मतलब कोई चीज ये लकड़ी है इसको जोर से कोई चीज मारो तो ये अंदर की तरफ धंस जाती है या फ्रैक्चर हो गया लेकिन डिप्रेस फ्रैक्चर है. मैं आगे शेयर दिखाती हूँ. अच्छा एवर्जन फ्रैक्चर्स ऑफ द शोल्डर यूजुअली इनवॉल्व्स अ ग्रेटर डिप्रोसिटी एंड लेस कॉमनली लेस डिप्रोसिटी. एवर्जन बाय ग्रेटर डिप्रोसिटी इतना बड़ा उसके अंदर भार सा आया तो वो बाहर की तरफ उसको डिसलोकेट होने के एवर्जन के इसके चांसेस ये देख दिस इज एवर्जन ये टूटा यहां से निकल गया डिप्रेशन अंदर की तरफ धंसते हैं स्प्लिट स्प्लिट हो गया. ठीक है, एक लाइन जो है जिस तरह इक्वल जितना उसका वो उसमें था स्प्लिट हो गया. That the types of fracture. This is effusion. This is depression. This is split. Hill chest deformity क्या होता है? The depression fracture of the posterior humeral head secondary to the weaker anterior dislocation is best seen with the humerus internally located. बस ये याद रखो. Depression fracture is known as hill chest. Hill chest deformity. Depression feel हो रहा है? डिप्रेशन फ्रैक्चर ये अंदर की तरफ हो रहा है बहुत रेगुलर आ रही थी ये अंदर की तरफ हो रहा है इररेगुलरिटी इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन ये इररेगुलरिटी अंदर की तरफ हो रहा है यहाँ से भी और यहाँ से. अब इम्पेलमेंट मैंने बताया था रोटेटर कफ एंड लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन में बिकम कंप्रेस. मैंने बताया था नैरो एरिया के अंदर से टेंडन गुजर रहे हैं एंड नैरो एरिया की वजह से वो उसके अंदर कंप्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू द मूवमेंट वो मूव करेंगे फ्रिक्शन आएगी एंड ड्यू बिकम कंप्रेस बिटवीन द ह्यूमरल हेड एंड द थोरैकोएक्रैनियल आर्च. इम्पिगमेंट ऑफ द रोटेटर कफ अक्वायर्स टू सम डिग्री इन समवन शोल्डर दैट इज नॉट मच कॉमन. The space between the under surface of the acromion and the superior aspect of the humeral head is normally quite narrow. ये मैं explain कर चुकी हूँ आपको. Due to the narrow space, जो है उसके अंदर compression आएगा, that is the impingement symptom. But usually there is enough room between the acromion rotator cuff so that the rotator cuff tendon slide easily underneath the acromion as the arm raise normally. ठीक है, बट इफ पेशेंट कंप्लेन के साथ है और इसको अल्ट्रासाउंड के ऊपर इस तरह की तो कोई पैथोलॉजी नजर नहीं आई है बस एक ये नजर आया है कि उसके अंदर नैरो स्पेस हो गई है और जो वो है टेंडन्स है वो उसके अंदर फ्रिक्शन या कंप्रेशन उसके ऊपर आ रहा है दैट इज ड्यू टू द इम्पिगमेंट सिंड्रोम. ठीक है, ये एक्रोमियम ये हमारे पास ये एक्रोमियम स्पेस है इसके अंदर जो मसल्स या टेंडन्स यहाँ से गुजरेंगे उसके अंदर ये स्पेस कम हो जाएगी और उसकी any condition that further narrows this space can cause rotator cuff impingement. ab ye koi bhi space ek to cause koi bhi ho sakta hai trauma ho sakta hai. theek hai, wahan pe usko gira us side pe space reduce ho gayi narrow ho gayi iski wajah se ye usko sign aa rahe hai compression aa gaya aur kya ho sakta hai compression aa gaya
ठीक है, वो प्रेगनेंसी में भी हो सकता है कि आपके जो जॉइंट्स हैं वो स्वेलन हो जाते हैं, ठीक है। तो जो भी कॉज जो है, जो कंप्रेशन कॉज कर रहा है, दैट इज इनफेक्शन। With overuse, this can cause irritation and swelling of the SDS vessa as well as irritation or damage of the retractor cuff. Impigment classified into three stages. Stage one, patient less than 25 years of age and is frequently associated with overuse. 25 se less ki age mein stage one hoga. Lesser age hai, zyada movement hoti hai stage mein. Aapko pata जो ये एज होती है इसमें आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी ज्यादा कर रहे हो, आपका शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, तो स्टेज वन इज द 25 लेस देन 25 एज और इसमें फ्रीक्वेंट होता है ये जो इंपिगमेंट सिंड्रोम। एडिमा या हेमरेज विद इन द रोटेटर कफ एंड चेंजेस इंपिगमेंट सिंड्रोम। ओके, दिस इज स्टेज टू। एज बढ़ा दो 25 से 40 की एज में स्टेज टू इंपिगमेंट सिंड्रोम। रोटेटर कफ चेंजेस विद इंक्लूड फाइब्रोसिस एंड बर्सल थिकनेस। ठीक है, अब वो उसकी तरफ जा रहा है, डीजेनरेटिव चेंजेस नहीं है उसके अंदर, मूवमेंट की वजह से नहीं है इतना प्रॉब्लम जितना उसके अंदर एज फैक्टर उसमें इन्वॉल्व हो गया। द टेंडेंस बिकम थिन एंड फाइब्रोटिक एंड स्टेज थ्री इज मोर देन 50 इयर्स। अब इसमें क्या होगा, पार्शियल या फुल थिकनेस क्लियर, या अब जो है इम्पिगमेंट नहीं है उसके ऊपर, कंप्रेशन नहीं है उसके अंदर, इरिटेशन नहीं है उसके अंदर, फ्लूइड नहीं है, आपको रप्चर हो गया। अब रप्चर होने की तरफ जा रहा है, कोई कॉज नहीं है, बस एज है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, स्टेज थ्री इम्पिगमेंट सिंड्रोम। इफ आई आस्क दिस क्वेश्चन इन वाइवा तो कहना मिस मुश्किल तो नहीं है ना, ठीक है। डिफाइन स्टेज थ्री इम्पिगमेंट सिंड्रोम। विच एज इंक्लूडेड इन स्टेज थ्री। मुश्किल होते हैं मेरे क्वेश्चन, नहीं होते ना, सीधे सीधे यहाँ से उठाते हैं। मुझे कल कह रहा था कहने था वो पेपर बहुत मुश्किल होता है यार, अभी तो मैं यहाँ से सीधा सीधा बनाती हूँ, अगर बनाने पड़े ना मुझे लंबा होता है। एक बच्चे कम नहीं, मैंने तो टाइम डिवाइड किया होता है कि अच्छा मैंने और भी इतने 100+ बच्चे वो वैसे टाइम की वजह से कोई आ रहा होता है। हाँ बस जो बच्चे मुझे आंसर्स दे रहे होते हैं मेरा भी मजा आता है, मुझे भी बार बार सुनते हैं, अच्छे नंबर नहीं लेने तुम। अच्छा चलो बात करते हैं। अच्छा तो स्टेज थ्री इज ना 50+ की एज एंड दैट इंक्लूड्स द पार्शियल या फुल थिकनेस। अब उसके अंदर इन्वॉल्व कोई कंप्लेन नहीं है, ट्रॉमा नहीं है, मूवमेंट ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट ड्यू टू द एज फैक्टर उसके अंदर ये क्लियर आ रहा है। अच्छा सोनोग्राफिक डायरेक्ट साइंस। Bunching of the supraspinatus tendon against the acromion on abduction. Abduct करवा रहे हो, वही हमारे पास वही आ गया ना function उसका dynamic imaging है। During movement हम ultrasound कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर हमें bunching of the supraspinatus tendon मिल रहा है, bunch मिल रहा है, ठीक है, supraspinatus का, तो direct sign है that includes तो उसके ऊपर compression अगर start हो गए leading towards the infection. Fluid may be milled laterally in the subdeltoid bursa with abduction. The humeral head may be closed inferiorly at the top of the abduction. Indirect sign kya hai? Rotator cuff does not pass freely beneath the acromion. We know ki compression, narrow space. It is sometimes difficult to separate burning of the painful shoulder from impigment in this situation. Bicep and supraspinatus tendonitis ho jayega. These all are the indirect sign. Possible cause impigment ki kya hai? जेनिटल वेरिएशन, लॉस ऑफ रोटेटर कफ, ये आगे बस रीडिंग है नीचे से। कॉजेस क्या हो सकते हैं, फ्रोजन शोल्डर, नाम सुना है, ठीक है। फिर उसके बाद थिकेंड और कैल्सिफाइड क्रोमो एक्रोमियल लिगामेंट, कैल्सिफिकेशन हो गई है लिगामेंट के अंदर, उसकी वजह से अकड़ गया है शोल्डर, मूव नहीं कर पा रहा। इम्पिगमेंट वही है ना, नैरो स्पेस की वजह से स्मूथ, अब कोई भी वजह हो सकती है उसकी, कॉजेस है सारे की, किस वजह से मूव नहीं कर पा रहा एंड ऐसे एसडी बरसा थिकेंड हो गई। ट्रीटमेंट क्या है, कंजर्वेटिव थेरेपी ये स्टेज वन की है। व्हाट इज कंजर्वेटिव थेरेपी, फिजियोथेरेपी जो हम लोग एक्सरसाइजेस से रिलीव कर सकते हैं उसके ट्रीटमेंट को, ठीक है, उसके अंदर इतनी ज्यादा हम लोग इन्वॉल्व नहीं कर रहे, कोई सर्जरी नहीं हो रही है या कुछ ऐसा, उसमें हम मेडिसिन नहीं दे रहे, हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि उसको विदाउट मेडिसिन विदाउट सर्जरी को ट्रीट किया जाए। तो जो स्टेज वन है 25 की एज में है हमारे पास, वो फिजियोथेरेपी। स्टेज टू जो है वो हम लोग फिर उसके अंदर कुछ मेडिसिन भी देना स्टार्ट करते हैं, थेरापेटिक शोल्डर इंजेक्शन भी दे सकते हैं,
पेन रिलीव कर सकते हैं एंड द थर्ड सर्जरी हमें पता है वो फियर्स की तरफ जा रहा है तो स्टेज 3 में जो है वो सर्जरी होगी ठीक है इजी सा था आज का भी इतना मुश्किल नहीं था रोटेटर कफ की पैथोलॉजीज है पार्शियल है कुछ फुल है और तीसरा डिस्लोकेशन है और चौथा इन्फ्लेमेशन है कैल्सिफिकेशन और इम्पिगमेंट ये चार पांच जो डिजीजेस हैं पैथोलॉजीज दीज आर कॉमन और किस तरह है इसके ऊपर ठीक है टाइम क्या हो रहा है एक्सप्लेन करती तुम लोग की क्लास है आज कितना बजे 3:30 बहुत टाइम है आज जो मेरे पास भी कोई लेक्चर नहीं है प्रैक्टिकल करते हैं इनको तो जरा बुलाए ना मैम प्लीज अभी प्रैक्टिकल ना करें पूरी क्लास से पहले नहीं बेटा मैं आए हैं क्लास में करवा लें वैक्सीनेशन भी पूरी लगवा के आए मैम किसी हो मतलब अलग से क्लास मैं ये थोड़ी देर के साथ बैठूंगी तुम लोगों को भी करवाऊंगी लेकिन इनका आने का कुछ तो फायदा होगा थोड़ी बहुत चीजें इनको बताऊंगी और एटलीस्ट बेसिक चीजें इनको कोक की और बॉलिटिक्स की चीजें बताते हैं क्योंकि मेरा भी आज एक ही लेक्चर था तो मैंने तो आप लोगों को कहा भी था बल्कि इस मासूमा से ही कहा था कि ग्रुप में मैसेज कर दो कि मेरी क्लास लेंगे तो फिर आप तब करवा देंगे मैम नेक्स्ट क्लास से करवा दें मैम नेक्स्ट वीक हम सब कैंपस पे क्लास लेंगे तब भाई धूप में बैठे रहेंगे 3:30 इनका लेक्चर है आप लोगों को मैम वैसे घूमने फिरने जा रहा हूं मंदिर पे इनका जी तुम लोगों को भी करवाऊंगी तो ये थोड़ी कह रही है तुम लोगों को नहीं करवाऊंगी तो आप लोग अपनी डोज कंप्लीट करो मैंने तो इसीलिए कहा था कि इस फर्स्ट लेक्चर में मैं अलाउ इसीलिए कर रही थी कि एक डोज वाले भी आए हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है हमने प्रैक्टिकल्स करने हैं मुझे कुछ पता नहीं है फिर फोर्थ वेव आ जाए फिर सब बंद हो जाए फिर ऑनलाइन सब चला जाए पहले भी हम लोग नहीं कुछ कर सके तो कुछ तो स्टार्ट करें आज इसको करा दे फिर हम बाद में करेंगे आप लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बल्कि आप सैटरडे मैम नेक्स्ट वेनेसडे को क्या हम सब कैंपस में लेंगे ना तो करवा दीजिएगा हमें भी सैटरडे को फिर नहीं आ रहे तुम लोग नखरे कितने हैं सैटरडे को क्यों नहीं आ रहे हो मैम सिंगल डोज पे अलाउ करेंगे ये लोग आना मैम यूनिवर्सिटी में आना तो अलाउ कर रहे हैं वो बगैर कोई कार्ड चेक किए बगैर डोज के अंदर अलाउ कर रहे हैं डिफरेंट टीचर्स के ऊपर है कोई वो जो है दो डोज तक मैम फर्स्ट डोज तो हमने अभी लगाई है तो इस तरह तो बहुत देर हो जाएगी मैम फर्स्ट अभी लगी 21 डेज के बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी वालों को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए मैम याद है यूनिवर्सिटी हमें पहले इन्फॉर्म कर दी कि आप साथ साथ अपनी वैक्सीनेशन करवाएं आपको वैसे अलाउ नहीं किया जाएगा मेरी भी सुन लो मैं कह रही हूँ उन्होंने तो ये भी अलाउ नहीं किया था कि आप जो है फर्स्ट डोज को अलाउ करो ठीक है उन्होंने कहा दो डोज कंप्लीट करो और उसके बाद आप लोग जो है स्टूडेंट्स को अलाउ करो क्लास में ये डॉक्टर नवीद का लेकिन मैंने सिर्फ फर्स्ट डोज को अलाउ किया क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल्स करवाने हैं ठीक है तो जो आ सकते हैं वो आए मैंने टाइम नहीं वेस्ट करना जो आ सकते हैं फर्स्ट डोज के बाद भी वो अपने फर्स्ट डोज कंप्लीट कितना टाइम लगता है आ जाओ सारे अपने दिन की एक भी डोज लगी है कंप्लीट आ जाओ डोज लगाओ आधा घंटा नहीं वहां लगता मैम वॉक इन नहीं हो रहा रजिस्ट्रेशन करानी पड़ रही है वॉक इन नहीं है तो लोगों की नो मैम सिर्फ 30 अबव की वॉक इन है 18 प्लस की वॉक इन नहीं है लो रजिस्ट्रेशन में भी पहले आप वो मैसेज ही करते हो ना उसमें कितना टाइम लगता है मैम कोड नहीं आ रहा एक हफ्ते से किया हुआ है मैंने तो हो गया तो नहीं आया और अब तो इतने सेंटर्स बन गए हैं एक्सपो तो नहीं है सिर्फ और भी जो जिसको नजदीक लग रहा है आप बताओ सेंटर्स में एक्सपो में थोड़ा रश है मैम कोड के बगैर नहीं वो कर रहे हैं लेकिन जो भी है किसी भी तरह आपने फर्स्ट प्रायोरिटी रखो कि अपनी वैक्सीनेशन लगवाओ मैंने तो ये भी सुना है कि कुछ अंडर 18 भी बच्चे हैं कौन से बच्चे हैं ग्रेजुएशन अंडर 18 हो रही है उनके तो भी कह रहे हैं वो ही नहीं बने और सारा अंडर 18 वाले शायद मुझे कल ईमेल ही सर ने कहा था कि जो अंडर 18 क्योंकि सबको टीचर्स ने अपने मसले रखते होते हैं मीटिंग में उन्होंने कहा था कि काफी क्लास में जो है अंडर 18 वाले बच्चे उनको क्या करें वो आना भी चाह रहे हैं और उनको फिर सर ने उनके लिए यही कहा था कि वो अपने पेरेंट्स का जो जहाँ जिनके साथ भी रह रहे हैं उनकी वैक्सीनेशन तो हुई होगी उनकी वैक्सीनेशन शो करें
ताकि उनको सर इतने ज्यादा उस चीज में हुए हैं, क्योंकि सर को भी कोविड हुआ था, तो वो भी ये इस बारे में, तो वो तो इवन हमें फैकल्टी को कह रहे हैं जिनकी डोज नहीं कम्प्लीट हो उससे मीटिंग के लिए भी ना आए, तो कोई भी हमारे भी एक ही डोज लगी है अभी, सर मेरी भी एक ही लगी है, तो लगवाओ मैम। जी मैम, ओड और इवन के अकॉर्डिंग आना है या दोनों क्लासेस कैंपस में ले सकते हैं? जिनकी कंप्लीट हो गई है वो आ जाएं दोनों क्लास में। मैंने देखो ऑनलाइन भी इसी क्लास में आके लेती होती हूँ ना, जो बैठे हैं वो साथ वैसे भी सुन लें, ऑनलाइन भी चल रहा है सारा, जो बैठे हैं वो ज्यादा आपको पता है जो फेस टू फेस समझ आती है, कुछ चीजें जो है वो एक्सप्लेन करने वाली है, कुछ प्रैक्टिकल करने वाली है। मैं पता करती हूँ अगर तुम लोग अगर लेक्चर अभी तुम ऑनलाइन करो तो भी 3:30 है। नो मैम, 11 बजे भी हमारी क्लास है। 11 बजे भी है नहीं तो उधर अगर रूम में कैमरा और ये सारी चीजें हैं तो हम लोग प्रैक्टिकल थोड़ी चीजें तुम लोग देख लो, लेकिन मुश्किल है सीनियरिटी का कुछ तो फायदा। मैं सबको करवाऊंगी, तुम लोग टेंशन ना लो, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे अच्छा जो जिस तरह आते जाएंगे हम लोग थोड़ा थोड़ा तो साथ करते जाएं, कोई रह ना जाए, टेंशन ना लो, सबको प्रैक्टिकल करवाऊंगी, जो ज्यादा ले रहा है क्लास में उनकी ज्यादा अच्छे से होती जाएगी, तो जो सीरियस है वो पता चलता है कि पढ़ाई के लिए सीरियस है, ठीक है, वो आप लोग अपने अपने लिए भी अपने बैग्स में पता है कि जो रखा हुआ है उन्होंने कि भाई आना है यूनिवर्सिटी तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स अपनी वैक्सीनेशन कम्प्लीट कर पाओगे, जो नहीं है वो तो पहले भी नहीं लगवा रहा है कि क्या करना है यार, ऑनलाइन ही लेते रहेंगे प्रैक्टिकल क्या करवा के करना, जिन्होंने तो है जिनको शौक पढ़ने का और जिनको है वो सारी चीजें अपनी करवा रहे हैं। तो मैम फर्स्ट डोज तो अभी लगाई है, तो सेकंड डोज में तो इतनी देर है, तो तब तक हम क्या ऑनलाइन ही लेंगे लगते? फर्स्ट डोज वाले आ सकते हैं, आई एम अलाउइंग के वो आए और क्लास में बैठे अपना लें, एक डोज मेरी भी लगी है, अलाउ कर रही हूँ ना मैं। ओके मैम ठीक है, एक डोज तो लेकिन आप लोग लगवा के जरूर आओ, आज ही जाओ जिनकी नहीं लगी है और आज ही लगवाओ, बेशक आज सारा दिन वहां बैठे हो लगवा के आओ मैम। अच्छे कह रहे हैं शाम में जाओ 10 मिनट लगते हैं, सुबह 10 बजे 9-10 बजे चले जाओ, बस वो एक ऑफिस का टाइम जो होता है ज्यादातर लोग जो आते हैं वो ऑफिस टाइम के बाद जाते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज के बाद जाते हैं, तो ऐसा टाइम देख लो जहाँ पे रश ना हो और आराम से चले जाओ, पता 50 प्लस और उनकी तो लग गई हुई है, उनका रश नहीं है, अब ज्यादातर स्टूडेंट्स का रश है, हाँ वही अपने यंगर जितने ग्रुप है ना उनकी ज्यादा है रश है, तो आप देख लो जो टाइम आपको सूट कर रहा है, और रश भी हो तो आधा घंटा लगता है, कितना टाइम लगता है इंजेक्ट करते हैं वो ऐसे ऐसे सबको लगाए जा रहे हैं, हाँ वो बस फॉर्म खोल देते हैं वो भी बस 2-2 मिनट हर एक पे लग रहा है, लगवाओ और लेकर आओ अपने कार्ड्स और यहाँ पे शो करो और क्लासेस लो, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया तुम लोग लास्ट सेमेस्टर की तरफ जा रहे हो। अच्छा मैंने प्राइम हो गया तुम लोग डिस्कस करने की, हाँ जी मैम लाहौर में फाइजर की सेकंड डोज लग रही है? फाइजर का तो पता नहीं, वो फर्स्ट डोज भी लग रही है, फाइजर तो लग रही है मैम, असल में सऊदीया वालों ने जो वो ये पॉलिसी बनाई हुई कि फाइजर ही लगवानी है, तो मेरी यहाँ पर 14th को अपॉइंटमेंट है पहली डोज की। यस मैम मेरी 14th को अपॉइंटमेंट है फर्स्ट डोज की फाइजर के लिए। आपको कौन सी लगी है? फर्क क्या है अभी कह रहे हैं फिर साइनोफार्म पे, अब जो लगनी है आजकल में फिर साइनोफार्म अच्छा पहले साइनोवैक लगा लिया, दूसरी साइनो फार्म लगा लो, तीसरी पाकिस्तानी लगा लो, उसके बाद मैं मुर्गा बन जाऊं। मुझे लग रहा है सेमिनार का बता दें क्या वो बाहर अच्छी वाली जो है सब,
ठीक है फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.